बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्माइल पिजन्स में। तो फ्रेंड्स, सारे कबूतर आज खोले हैं। काफ़ी दोस्त कहते हैं आप कबूतर उड़ाते नहीं, तो आज आपके सामने कबूतरों को खोला। पहले कबूतरों ने लिए पानी फ्रिज रखा है, जैसे कबूतर निकले वो सारा पानी पिए, उसके बाद उड़े तो कबूतर आपके कहीं गिरेंगे नहीं। तो मेरे काफ़ी कबूतर सामने नाला कायना वहाँ पर जाके पानी पर गिर जाते हैं, तो मैं कबूतर जब भी उड़ाता हूँ तो पहले इनको पानी वगैरह पिलाता हूँ। एक लोफ के कबूतर निकल चुके हैं, बाकी दूसरे लोफ के मेरा भाई आगा खान वो निकल रहा है। मैं जैसे उठाऊँ ऊपर छत पे आया हूँ कबूतरों को खोल के, मैंने सोचा आप दोस्तों के वीडियो बना दूँ कबूतर खोल के इनको उड़ा के, फिर चले जाएंगे नीचे नहा धो के फ्रेश होके फिर ऊपर आएंगे। देखते हैं कबूतर थे, क्योंकि इतना ज़्यादा परवाह नहीं देंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से कबूतर उड़ाया नहीं है। क्या हुआ, खोल लो भाई, नहीं खोल रही क्या? देखते हैं, वो लाग पता नहीं कैसा अटक गई है, तो फटाफट से पहले मैं लाग को खोलता हूँ। तो अभी लाग को खोल दिया है, अभी ये दूसरे लोफ्ट वाले कबूतर भी निकलेंगे, अभी तीसरे लोफ्ट को भी ओपन कर दिया, नीले कबूतर इसमें ऑलरेडी है। अभी सारे के सारे जो प्यासे होंगे वो पानी पियेंगे, न जो आप देख सकें जैसे निकलते हैं उड़ जाते हुआ, क्योंकि ज़्यादातर मैं इनको उड़ाता नहीं हूँ ना ही इनको तंग करता हूँ, तो ये उड़ते भी नहीं हैं। क्योंकि जब कबूतर को प्रॉपर आपको उड़ाने का शौक है तो डेली बेस पे कबूतर उड़ाया करो, आप कबूतर की परवाह पड़ेगी। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको उड़ा देनी है, उड़ाने के बाद कबूतर आपका थक जाता है या सुस्त होता है, मसाज करनी क्या जो मसाज का कहोगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। प्यार से कबूतर की मसाज करनी है, पंखों के हाथ हल्का हल्का हाथ लगाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, हल्का हल्का हाथ लगाओगे तो कबूतर मसाज हो जाएगी। तो फ्रेंड, अभी कबूतरों को डंडा थोड़ा दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी कबूतर क्रीज में, तो सब कबूतरों नहीं उड़ाएंगे, तो हल्के हल्के उड़ाएंगे। उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा, आगे आगे जा, क्योंकि कुछ क्रीज वाले कबूतर है तो नहीं जाएंगे। बस 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 छोड़ दे बस, माशाल्लाह बेहतरीन। कुछ क्रीज है कबूतर है, इसलिए मैं सारे कबूतरों डंडा वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ कबूतरों के आंखें वगैरह ख़राब है मच्छरों का जहर, बस दो छोटे बेबी पियन से, बाकी माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया। अभी वो सारे कबूतर उड़ा दिए, इतने में कहा ना ये परवाह नहीं देंगे क्योंकि एकदम से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये कबूतर जो भी उतर है क्रीज में कबूतर है, आप देख सकते हैं क्रीज वाले कबूतर है, तो इनको ज़्यादा छिड़काई नहीं करनी है। बाकी ये माशाल्लाह से अपनी कबूतर है, 20-25 से शायद ज़्यादा होंगे, तो ये कबूतर उड़ा दिए तो एकदम से आसमान में भाई घुस जाएंगे एकदम से। अभी इतना तो कन्फर्म है, काफ़ी टाइम से इनको मैं उड़ाता नहीं हूँ, इतना तो कन्फर्म है 2-3 घंटे तो लाजमी उड़ेंगे। बाकी एक कबूतर तो उड़ाते ही अकेला हो जाए, एक ही उड़ने की कोशिश करता है तो वो आसमान में चला जाता है, बाकी हमारे कबूतर सारे के सारे उड़ गए माशाल्लाह से, एकदम से आसमान में बंद हो जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ दरमियान में उड़ते हैं, कुछ नीचे उड़ते हैं। मेरे पास 3 नस्लों के कबूतर हैं, एक तो होते हैं आसमान ताओ बन गिरेबा होते हैं बंद हो जाते हैं, दूसरे जो नज़र सामने रह के उड़ते हैं, तीसरे उससे भी नीचे एक कबूतर है मेरा 3-4 जोड़े है जो सिर्फ खंभे जितना उड़ेंगे, ज़्यादा लंबा जाएंगे पट्टी जैसे कबूतर कहते हैं, वो भी मेरे पास नस्ल है, तो वो भी मैंने उड़ा दी है। तो अभी देखते हैं किस टाइम आते हैं, अभी तो मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ, काफ़ी हाइट है, मुझे धूप में मोबाइल में नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो माशाल्लाह से बेहतरीन। आप देख सकते हैं जो कबूतर मेरे उड़ते हैं तो वो आसमान में बंद हो जाते हैं, कुछ दरमियान में उड़ते हैं क्योंकि अलग अलग कबूतर हो जाते हैं, आप देख सकते हैं ये अलग उड़ रहा है, वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि हर किसी की परवाह अपनी अपनी है, नस्ल अलग है तो परवाज भी अपनी अपनी होगी। तो फ्रेंड, अली अकबर भी बैठा हुआ है साथ में, मेरा भाई है आगा खान, तो अभी मोबाइल में मेरे भाई को दे देता हूँ, जो भी कबूतर नीचे आता रहेगा तो 10 या 15 मिनट, अभी कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, कबूतर अभी भी नीचे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सारे कबूतर अलग अलग हो गए, एक कबूतर भी साथ नहीं है, कुछ कबूतर ये अभी नीचे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कबूतर अब किस तरह से मुंह खोल के सांस ले रहा है, आपको नज़र आ रहा है ये किस तरह से मुंह खोल के सांस ले रहा है, दूसरा ये भी आ गया, ये भी आप देख किस तरह से मुंह खोल के सांस ले रहा है, तीसरा भी आ गया, ये चौथा भी आ गया, क्योंकि जब कबूतर नीचे आते हैं तो आप देख सकते किस तरह से मुँह खोल के सांस लेते हैं, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे तो मोबाइल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए, क्योंकि जब मैं एडिट करूँगा तब भी मुझे पता चलेगा ये कबूतर इतना सांस फूल गई थी। बाकी कबूतर काफ़ी हाइट में चले गए, नज़र नहीं आ रहे हैं, बाकी यहाँ मैं बैठ जाता हूँ, ये कबूतर नीला भी आ गया, आप देख सकते हैं
ये आ गया नीला, और ये दूसरा भी आ गया बेबी पट्ठा था, ये तीसरा भी आ गया। क्योंकि जो ब्रीड वाले जो बेबी पिजन्स वाले कबूतर है वो नीचे आ रहे हैं, बाकी जैसे नीचे आते रहेंगे मेरे भाई आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहेगा। तो एक नीला कबूतर आके ऊपर ये आप देख रहे बैठा है, क्योंकि काफ़ी कंडीशन इसकी ख़राब हो चुकी है। मोबाइल में शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अभी भी यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं बैठा हुआ था। मैंने सोचा ये नीचे एकदम से बाहर घूम रहा था, मैंने सोचा गिर जाएगा कहीं पे, तो बिल्कुल मुंह खोल के सांस ले रहा है। वजह ये है कि इसके पंख वगैरह आपको सामने नज़र आ रहे, बिल्कुल भी पंख इसके नहीं है, क्रीज में है, तभी इसकी ये कंडीशन हो गई है। बाकी काफ़ी टाइम से कबूतर उड़ा नहीं है, तो वैसे इनका मुंह खुलेगा, जैसे मैं इन कबूतर उड़ाऊँगा तो इनकी ट्रेनिंग बढ़ेगी, आस्ता आस्ता अभी सेट हो जाएंगे। अभी बाकी कबूतर काफ़ी हाइट में चले गए, मैं आपको जूम कर दिखाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी हाइट में है, कुछ नीचे है, कुछ उससे ऊपर है, कुछ उससे भी ऊपर है। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ नहाने के लिए भाई, अभी मैं भाई को मोबाइल दे देता हूँ, वो अभी कबूतरों को जैसे नीचे आते रहेंगे सारे के सारे वीडियो शूट करेगा, वो लास्ट में इंट्रो में आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं ये कबूतर भी आ चुका है, और ये आपको दिखा देता हूँ, ये कबूतर आया, ये दूसरा कबूतर है। अभी भाई को आधा घंटा हो चुका है जाते हुए, और एक और ये लॉफ्ट पर बैठा है, ये भी आ चुका है, दो कबूतर आ गए हैं आधे घंटे के बाद। तो 10:21 हो चुके हैं, एक ये कबूतर आया है केजी की क्रास में, ये बच्चा कबूतर का बच्चा अभी आ चुका है, ये रहा वो कबूतर का बच्चा। तो गाइस अभी ये कबूतर आके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये उंगली के बराबर लखे कबूतर के पीछे जो मुंह खोल के सांस ले रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये भी अभी आके जस्ट उतरा है, क्योंकि 8:30 का शायद टाइम था उस टाइम मैंने कबूतर उड़ाए थे। बाकी कबूतर सारे के सारे नहा धो के फ्रेश होके बैठ गए हैं, अभी भी पानी में कुछ कबूतर नहा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे कबूतर रोटियाँ वगैरह दे रहे, तो बाकी कुछ कबूतर अभी भी ऊपर है, अभी टाइम पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं। तो गाइस एक कबूतर ये भी अभी अभी आके नीचे बैठ रहा है, ये चला गया, अभी नहीं बैठ गया क्योंकि सामने चला गया, तो ये अभी अभी आके बैठा है, ये बैठेगा, ये बैठेगा, बैठा 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 ये आके बैठ गया आपके सामने, ये सामने आ रहा कि ये माशाल्लाह से मेरा परवाज़ी पट्ठा है। अभी ये भी क्रीज में तो एकदम से आ गया, इसका जो फादर है उसके बेबियन से वो रात रह गए थे, वो मुझसे ज़ाया हो गए थे, मगर एक दो इसके पट्टे बचे हैं, इसका फादर वो भी हमसे ज़ाया हो गया था, शाम को उड़ा दिया था तो नहीं था, ऊपर से बारिश आ गई थी, वो भी हमसे ज़ाया हो गया था। अभी ये कबूतर बैठे, अभी कबूतर कुछ उड़ रहे, जैसे नीचे आते हैं वहाँ से वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड एक पट्ठा अभी आके ऊपर बैठा है आपके सामने, ये बैठा हुआ है नीचे बैठा है, क्योंकि इसकी सांस खुली हुई नहीं है, जो मैंने पहले बताया था उसी का छोटा पट्ठा है, वो बड़ा था, ये उससे काफ़ी छोटा, दूसरे ब्रीडिंग निकला था दूसरे पेयर, एक जोड़ा जो कंपनी दो अंडे देता है वो कम ख़त्म करके दूसरे जो बेबी निकले थे उसमें से ये पट्ठा निकला है माशाल्लाह से। अभी आके नीचे बैठा है, आप देख सकते हो थोड़ा सा सुस्त हो गया, मगर इसके दुम के ऊपर भी थोड़ा सा दाग है, मगर ये सांस से बिल्कुल भी नहीं फूला है, तो आके नीचे बैठ गया। अभी भी 4 कबूतर उड़ रहे हैं, जैसे नीचे आते हैं देखते हैं किस टाइम आते हैं, अगर आ गए ठीक है ना वीडियो एंड कर देंगे, देखते हैं आगे तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं ब्लैक कबूतर, ये भी अभी भी क्रीज में, नीले कबूतर उनसे मैंने क्रॉस करा, अभी आके बैठा है, आप देख सकते हैं मुंह खोल के अभी भी सांस ले रहा है। तो अभी शायद 11:30 का टाइम हो चुका है, एक ये पट्ठा है, एक वाइट जर्चिया कबूतरी थी, कांगे यहाँ पर बैठी हुई थी, ये सामने बैठी हुई है, एक वाइट आइस है, एक ब्लैक आइस है, तो वो भी आके नीचे बैठी। अभी भी नज़र तो कबूतर नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कबूतर आसमान में ताव बंद हो जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं, हो सकता है कुछ कबूतर लेट से आए क्योंकि नज़र नहीं आते, एकदम से घुस जाते हैं तो नज़र ही नहीं आते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है किस तरह की आपको वीडियो पसंद है, तो मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उड़ाने वाली वीडियो है तो इंशाल्लाह डेली बेस पर एक उड़ाने की वीडियो भी डालते रहेंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं एंड कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना, कबूतरों की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।